पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो हम जीरो और कोफिशियंट के बीच में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इनके बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या, देखो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल्स। एक लीनियर पॉलीनोमियल हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो जीरो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज इन सेक्शन 2.1 रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हमारा क्या होता है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके ज़ीरो कैसे निकलेंगे, देखो इसके सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरो क्या है इसकी, माइनस बी बाई ए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सी बाई ए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें देखो जो ये वाली हमारी क्या है, a की वैल्यू है, और ये वाली क्या है, बी की वैल्यू, और ये क्या हमारी सी की वैल्यू है। अगर हम इसकी सम ऑफ ज़ीरो निकालें तो क्या हो जाएगा, 4/2, और क्या है यहाँ पर, माइनस, यानी माइनस 4/2, 2 2 = 4, माइनस के 2। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करें तो सी बाई ए, सी हमारा क्या है 3, और ए क्या हमारा 2, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या जाएगा इसका, 3/2। अब आगे क्या है इसमें, देखो यू हैव लर्न हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। यानी क्या है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, सप्लिटिंग। मिडिल टर्म हमारी इसमें देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म हमारी कौन सी होती है, ये वाली बीच वाली जो टर्म होती है। सो हेयर वी नीड टू सप्लिट द मिडिल टर्म माइनस 8x। तो इसमें हमारी मिडिल टर्म क्या है, माइनस 8x। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, वी हुज प्रोडक्ट इज 6 × 2x² इक्वल टू क्या है हमारा, 12x². देखो ये कहाँ से आया है, इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये क्या आएगा, 12x². तो अब इस 12x² के हम दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12x² आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट करके। ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, सी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो ये क्या हमारा a इंटू सी 12x². तो हम क्या करेंगे, इसके दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12x² आना चाहिए, अगर हम उसको ऐड करें तो क्या आना चाहिए, माइनस 8x, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, देखो तो सम ऑफ ज़ीरोज हमारा क्या है, ये क्या हमारा, माइनस बी बाई ए।
तो बी जो हमारा होता है वो क्या होता है, कोफिशियंट होता है एक्स का, और जो ए होता है वो किसका कोफिशियंट होता है, वो एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, इसमें जो मैथ आपका, इसमें अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए। ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या है हमारा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो को क्या है सम, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आगे ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर पावर थ्री हो ट्राइनोमियल, इसमें एक एग्जांपल ये देखो, अगर ax3 प्लस bx² प्लस cx + d हो तो हम क्या करेंगे, उसमें जो सम ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा को का जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है हमारा सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए। तो ये कुछ बेसिक था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट। देखो कोफिशियंट का तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वेयर के साथ में जो भी होता है वो क्या होता है हमारा, कोफिशियंट होता है, या एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर कोफिशियंट क्या है, 1, और एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर क्या है, -2। इसी तरीके से यहाँ पर एस स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है, 4, एस का क्या है, -4, या एक्स स्क्वेयर का 6, और एक्स का यहाँ पर क्या है, -7। तो ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशियंट होते हैं। अब देखते हैं जीरोज, देखो जीरोज हमारे क्या होते हैं, जीरोज में क्या होगा, देखो जीरोज में देखो हम इनको अगर सोल्व करेंगे फैक्टराइज से मिडिल टर्म को सेपरेट करके, तो इसमें एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक्स की दो वैल्यू आएगी। अगर हम उन दो वैल्यू को अगर इसमें एक्स की जगह पर रखें, एक्स की जगह पर रखने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और उसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशेंट के बीच में। ठीक है, तो इसलिए हम ये जीरो क्या होगा, एक्स की दो वैल्यू आएगी, उन वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, इसमें x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें करना क्या है हमको, देखो ये a की वैल्यू है और ये b की और ये सी की वैल्यू है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ए इंटू सी करना है, ए और सी की क्या करनी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 - 8 की और एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8x² -8x² अब हमको क्या करना है, दो ऐसी पेयर बनानी है कि अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो -8x² आना चाहिए, अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए,
मिडिल टर्म आने चाहिए, और मिडिल टर्म हमारी क्या है, माइनस टू एक्स। तो इसका तरीका क्या है, देखो ये जो हमारा एट है, एट हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। टू टू जा टू, फोर जा एट, और टू टू जा फोर। तो अब ये हमारे क्या आए हैं, फैक्टर आए हैं। अब हमको इनका यूज़ करके देखना है कि कौन सा सही है। देखो टू टू जा फोर और फोर टू जा एट, ठीक है। तो ऐसे कौन से पेयर बनेंगे, देखो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, फोर, और ये क्या है टू। अगर फोर की और टू की हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, एट आएगा। लेकिन इसमें हमें क्या लेना है, माइनस एट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और माइनस टू भी लेके आना है। तो अगर हम बड़ी वैल्यू को माइनस फोर करें और छोटी को प्लस, अगर हम माइनस फोर और प्लस टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एट आएगा। अगर माइनस फोर, अगर ये माइनस का लेकर ना, तो हम अगर इसको प्लस करें तो ये माइनस के फोर और प्लस के टू को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का टू। तो हमारी दो पेयर कौन से बनी है, एक माइनस फोर और टू। तो हम इस मिडिल टर्म की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस के फोर एक्स और माइनस और प्लस के टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस के फोर एक्स और प्लस टू एक्स। बाकी सभी को क्या रखेंगे, सेम, सिर्फ मिडिल टर्म में किस जगह पर ये रखना है। तो अब यहाँ इसका एक पेयर बनेगा और इसका एक पेयर बनेगा। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स की पावर टू थी, एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो एक्स बच गया यहाँ पर वन। माइनस एक्स हमने ये बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस के फोर। अब यहाँ पर देखो प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो जो वैल्यू यहाँ पर आई है उस को सेम टू सेम यहाँ पर लिख दो। अब देखो क्या कॉमन आएगा, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो सेम टू सेम यहीं पर आएगी, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी। तो अब देखो अगर हम इसमें से ये टू बार लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, और इस टू से इसको डिवाइड करेंगे, टू फोर जा एट। कॉमन का मतलब होता ही है डिवाइड करना। तो अब देखो एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस फोर, और एक वैल्यू आ गई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब हम एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो करें तो एक्स की जो वैल्यू आएगी फोर, और यहाँ से एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू जो आएगी माइनस के टू। तो अब यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आ गई है। तो यही क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट इज एक्स इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू माइनस के टू। अब नंबर ऑफ जीरो हमारे क्या आ गए, एक्स इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू माइनस के टू। अब हमें क्या करना है, इनका सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज। तो सम ऑफ ज़ीरो हमारा क्या होता है, बी बाय ए, सम ऑफ ज़ीरो। तो हमारे ज़ीरो कौन से आए हैं, फोर और माइनस टू। अगर हम इनका क्या करें, सम किसका, सम ज़ीरोज का, तो क्या आएगा हमारा, ये फोर प्लस माइनस के टू। तो ये आएगा हमारा टू, ठीक है। और सम ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, माइनस बी बाय ए।
माइनस बी बाय ए होता है हमारा क्या, सम ऑफ जीरोज। तो ये क्यों जाएगा हमारा माइनस, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी टू, बी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, ये देखो इसमें स्टेटमेंट में टू, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी बाय ए यानी टू बाय, और ए की वैल्यू है वन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है वो क्या है वन। तो माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा हमारा माइनस टू बाय वन। तो माइनस टू यहाँ पर क्या है, माइनस टू हमारा क्या है यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ, माइनस टू हमारा यहाँ पर क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स, और जो हमारा ए यानी कि वन ये क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि माइनस टू बाई वन हमारा आया है, तो ये क्या है ये है एक्स स्क्वेयर यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ये क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स, ये हमारी सम ऑफ जीरो आ गई। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा हमारे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो जीरोज हमारे आई है माइनस टू और फोर, इनकी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही होता है। तो हम इनका क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट करेंगे फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, ये आएगा माइनस एट। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा माइनस एट, और यहाँ पर हमारा जो सी बाय ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये भी क्या हमारा माइनस एट बाय ए, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन, तो ये क्या हो जाएगा क्या होता है हमारा सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है माइनस एट और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन वन। ठीक है, और ये एट हमारा क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म होती है, और वन क्या है हमारा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जो ये वाली सी की जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारी कॉन्स्टेंट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है, फोर एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस वन। तो अब हम ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है, तो हमें क्या करना है ए इंटू सी। तो अगर ए इंटू सी करे फोर एस स्क्वेयर इंटू वन, तो हमारा क्या आएगा फोर एस स्क्वेयर, और मिडिल टर्म हमारे क्या है अगर हम इसको प्लस करें या माइनस करें तो ये क्या है माइनस के फोर एस। तो हमें क्या करना है, देखो टू के फैक्टर करें हम, टू ये फोर के फैक्टर करेंगे तो टू टू जा फोर, तो आएगा टू इंटू टू, टू एस इंटू टू एस, तो ये हो जाएगा फोर एस स्क्वेयर। अगर हम इनको ऐड करें तो टू टू जा फोर आएगा, लेकिन फोर हमें किसका लेना है माइनस का, तो माइनस टू और माइनस टू करें तो ये आएगा माइनस का फोर। तो हम इस वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे, मिडिल टर्म की जगह पर, तो ये होगा फोर एस स्क्वेयर माइनस के टू एस और माइनस टू एस प्लस वन। अब पेयर बनाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन है टू एस कॉमन है, तो टू एस कॉमन हमने ले लिया, यहाँ पर क्या बचा टू, और यहाँ पर एक एस बच गया, और ये पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा वन। अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो ये जो प्लस का साइन है ये किसको जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा टू एस माइनस वन, जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो यहीं पर आएगी। अब माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है, तो हमारे क्या बन गए वेक्टर टू एस माइनस वन और टू एस माइनस, ठीक है दोनों वैल्यू क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा टू एस माइनस वन का स्क्वेयर। अब हम क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फोर एस स्क्वेयर,
माइनस फोर एक्स प्लस वन इज यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो ये सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, देखो 2s माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल रखो तो 2s ये माइनस का वन, अगर हम इसको इस साइड लेकर आएंगे प्लस का वन हो जाएगा। तो s की जो वैल्यू आएगी वन बाय टू, ठीक है, और दोनों वैल्यू का यहाँ पर सेम, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर s इक्वल टू वन बाय टू, दोनों की क्या है सेम। तो नंबर ऑफ जीरो जो हमारे आए क्या आए वन बाय टू। अब हम क्या करेंगे इनका सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे क्या आए हैं वन बाय टू प्लस वन बाय टू, तो हाफ हाफ जुट करके हो जाएगा वन हो जाएगा। कैसे, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा टू आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा वन प्लस वन, तो टू बाय टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा वन। तो सम ऑफ जीरो क्या है वन, और सम ऑफ जीरो हमारा क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही क्या माइनस फोर, तो हम बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे माइनस के फोर, एक माइनस पहले यहाँ पर है तो ये माइनस हो जाएगा, और ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या है फोर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फोर बाय फोर कैंसिल होकर क्या जाएगा वन, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी वन आया था हमारा सम ऑफ जीरो, और यहाँ पर भी क्या है वन, तो हमारा ये क्या हुआ वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनके जो जीरो आई है वो क्या वन बाय टू इंटू वन बाय टू, दोनों का हमें क्या करना है प्रोडक्ट, तो वन इंटू वन और टू टू जा फोर, तो वन बाय फोर हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता क्या है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू क्या है वन, और ए की वैल्यू क्या है फोर, तो सी की वैल्यू वन ए की वैल्यू फोर, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या है सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस के क्या है, देखो ये सेवन एक्स जो है इसमें पार्ट नंबर थर्ड में ये क्या हमारा लास्ट में दिया गया, इनके पहले स्टेटमेंट देखते हम कैसे लिखे हैं सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री और माइनस के सेवन एक्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्स वाले पहले लिखते हैं हम सिक्स एक्स स्क्वेयर पहली पावर बड़ी फिर उसके बाद में उससे छोटी पावर और लास्ट में क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म। तो ए की वैल्यू सिक्स, बी की वैल्यू माइनस सेवन और सी की वैल्यू माइनस थ्री, तो अब हम क्या करेंगे ए इंटू सी, तो ए इंटू अगर सी करें तो सिक्स इंटू माइनस थ्री, तो ये आया हमारा माइनस 18, और मिडिल टर्म हमारी क्या है, मिडिल टर्म है हमारी माइनस के 7x, तो अब हम 18 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 9 जा और 3 3 जा, अब इसके पेयर बनाओ, देखो 3 3 जा अगर 9 करें और 9 2 जा 18, तो ये 9 और 2 आएंगे हमारे, अगर हम माइनस के 9 करें प्लस के 2 करें तो माइनस के क्या आएगा 7, और माइनस का 7 यहाँ मिलाना है, और माइनस के 2 और प्लस के 2 के अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस के 9 2 जा माइनस का 18, तो इसकी जगह पर हम मिडिल टर्म की जगह पर रख देंगे, तो बाकी सारा सेम 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के
टू एक्स और माइनस का 3। अब इसके यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 3, एक तो 3 कॉमन आएगा क्योंकि इसमें 3 2 6 और 3 3 9 और एक एक्स कॉमन आएगा, तो 3x यहाँ से क्या जाएगा कॉमन। अब यहाँ से 3 हमने कॉमन ले, तो 3 2 6 तो 2 बचेगा और एक एक्स, अब 3 3 9 तो यहाँ पर 3 बचा, तो ये हमारा बच गया। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो जो यहाँ पर है वो ही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो 2x-3 यहाँ पर लिख दो। अब देखो ये 2x-3 है सेम है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 3x+1, 3x+1 और 2x-3, 2x-3। अब हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे, 3x+1 इक्वल टू 0, 3x+1 परली साइड जाएगा तो माइनस का 1, एक्स के साथ में 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स की एक वैल्यू क्या आई है -1/3। अब इसको रखो 0 के इक्वल, 2x-3 इक्वल टू 0, 2x-3 साइड प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 3/2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आए तो ये डिवाइड में, तो एक्स के 2 जीरोस हमारे आ गए। यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 6x²-7x-3 इज क्या है, एक्स इक्वल टू -1/3 और एक्स इक्वल टू 3/2। अब हम इनका क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का सम करेंगे हम, सम क्या है -1/3 प्लस 3/2, तो ये क्या होगा, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 3 2 6 और 3 2 6 2 1 2 -2 और प्लस के 2 3 6 और 3 3 9, तो -2 और प्लस के 9, तो ये बचेगा प्लस के 7/6। अब देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, तो माइनस और b की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू पहले से ही क्या है -k 7, तो b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे -k 7 और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, देखो a की वैल्यू क्या है 6, तो ये आएगा 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या है 6, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे हम, ठीक है, हमारे जीरोज क्या आए थे, ये आए थे हमारे -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, तो 3 की और -1 की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -k 3 और 3 2 6, 3 1 3 3 2 6 यानी -1/2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे क्या है -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है c/a। अब c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू क्या है 6, तो ये भी किया जाएगा हमारा -1/2। पार्ट फोर्थ में हमारा क्या है, देखो 4u² + 8u। अब इसमें देखो इसमें हमारी सिर्फ a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से ही कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या है 4 कॉमन है, यहाँ से भी 4 कॉमन है, क्यों 4 2 8, u भी कॉमन है
और यहाँ से भी यू कॉमन है, तो हमारा कॉमन क्या आएगा, फोर यू। यहाँ पर क्या बचा, यू प्लस फोर टू जा एट। अब फोर यू इक्वल टू ज़ीरो, तो यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ज़ीरो बाई फोर यानी कि ज़ीरो। अब यहाँ से यू प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो यू की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, माइनस के टू। तो हमारे क्या ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू इज यू इक्वल टू ज़ीरो एंड यू इक्वल टू माइनस टू। अब हम इनका क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो यानी कि हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ज़ीरो प्लस माइनस के टू, तो ये आएगा माइनस का टू। अब देखो ज़ीरो और माइनस का टू हमारा यहाँ पर आया है, लेकिन जो हमारा सम ऑफ ज़ीरो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाय ए। तो अब देखो इसमें बी की वैल्यू हमारी क्या है, एट, ए की वैल्यू क्या है, फोर, वही माइनस यहाँ पर पहले से, तो फोर टू जा एट, ये आया माइनस का टू, तो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, ज़ीरो तो हमारा एक क्या था, एक तो ज़ीरो और एक माइनस टू, तो ये आएगा हमारा ज़ीरो। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सी बाय ए, सी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं इस क्वेश्चन में, और ए की वैल्यू क्या थी हमारी, फोर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। अब पार्ट नंबर फाइव में देखो, टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वेयर, और ये क्या है, 15। अब देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वेयर इक्वल टू 15। अगर हम दोनों साइड क्या करें, स्क्वेयर करें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट 15 और प्लस और माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इस पे से क्या करते हैं, स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड करते हैं, तो इससे स्क्वेयर हटकर इस पे आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस माइनस की आएगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टी स्क्वेयर माइनस 15 है हमारा, तो इसको हम 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस में क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये रूट 15 हमारा, और ये क्या है, स्क्वेयर, टी स्क्वेयर माइनस रूट 15। तो इसको हम परली साइड ले जाएंगे, टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या जाएगा ये, और हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, रूट, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या जाएगी, रूट 15 प्लस माइनस के। अब इसको देखो प्लस माइनस के साथ में कैसे लिखेंगे इसको, ये टी की वैल्यू आएगी, तो टी एक बार प्लस में लिख देंगे रूट 15 को, और एक बार माइनस में लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल रख दो, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के रूट 15 आएगी, और यहाँ से क्या आएगी, टी की वैल्यू प्लस की रूट 15। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरो यानी कि इनको जोड़ देंगे, माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15, ठीक है। अब
इनको हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये देखो क्या जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये हमारा क्या आएगा, जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ए की और सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा 0/1, तो ये क्या आएगा, जीरो। वन कहाँ से आया, क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वन। ए की वैल्यू यहाँ पर भी क्या जाएगी, वन। तो अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी बाई ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम इसका क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, √15, और ये माइनस का √15, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस को, आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो सी बाई ए हमारा क्या होगा, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस के 15, और ए की वैल्यू क्या है, वन। तो -15 आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, वेरीफाई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, इसको हम पहले साइड ले गए तो प्लस का 15, और हमने यहाँ पर क्या करा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस का क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक बार हम इसकी वैल्यू को प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, सिक्स पार्ट, ये क्या है, 3x² -x -4। अब ए और सी की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी, तो यह है माइनस के 12, और मिडिल टर्म हमारी क्या है, माइनस के एक्स, यानी कि हमको माइनस का 1 लेके आना है। तो ये कैसे होगा, देखो ये होता है 4 × 3, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो 12, अगर इन दोनों को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन हमको माइनस का 1 लेके आना है। तो माइनस का 1 कब आएगा, अगर हम माइनस के 4x करें और प्लस के 3x करें। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3x² -k 4x +k 3x और -k 4। अब इसके पेयर बनाओ, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है इसमें से भी और इसमें से भी, तो x हमने कॉमन ले ले, यहाँ पर बचा 3x -4। अब यहाँ देखो ये सेम है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन आएगा, 3x-4। तो x+1 और 3x-4, अब x की वैल्यू यहाँ से -1 आएगी, और यहाँ से 3x=+k 4 हो जाएंगे, और जो x की जो वैल्यू आएगी 4/3। तो वैल्यू क्या है हमारी, द वैल्यू ऑफ 3x² -x-4 इज x=-1 एंड x=4/3। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का क्या करेंगे, सम। तो जीरो तुम्हारी क्या है, -1+4/3, तो एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 3 3 -k 3+k 4, तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमारा सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, और a की वैल्यू क्या है, 3, तो -1/3, -1/3 आ जाएगा, और एक माइनस पहले से ही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा +1/3। तो हमारे क्या हुआ, वेरीफाई। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का क्या करेंगे,
प्रोडक्ट यानी कि माइनस वन और मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री, तो ये माइनस का फोर और बाय थ्री, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस के फोर, और नीचे क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, थ्री, माइनस के ये सी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू, माइनस के फोर बाय थ्री, तो माइनस के फोर बाय थ्री, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, यहाँ पर देखो जो पहले वाला है वो क्या है, सम ऑफ जीरो है, और ये जो सेकंड वाला ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि हमको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो अगर हमें क्या करना है, कोई भी, देखो सबसे पहले देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू बी की और सी की वैल्यू, ठीक है, ये क्या होता हमारा, ये क्या होता है, ए इंटू सी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या होता हमारा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, क्या यूज करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और उस देखो इसके फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसके फ्रैक्शन में भी नंबर, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो क्या दिया है, सुन इन्होंने वन बाय फोर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के का एक फार्मूला है, वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस, माइनस में क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और इनटू में क्या करना है, एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ जीरो की वैल्यू उधर पुट करनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर सेम माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो क्या है, वन बाय फोर, और इनटू में क्या है, सिर्फ एक्स, और ये क्या है, प्लस, प्लस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है, माइनस का वन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस के वन बाई फोर एक्स और माइनस का वन। अब देखो मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो उसी नंबर से हम क्या कर दें, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई, तो फोर की और एक्स की मल्टीप्लाई फोर एक्स स्क्वेयर माइनस, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये फोर से फोर कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वन एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स, और माइनस फोर की और माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर की और माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का फोर, ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पार्ट सेकंड में क्या है, सम ऑफ जीरो क्या है, इसमें रूट
टू और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हमारा वन बाय थ्री। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स और प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। अब एक्स स्क्वेयर सेम माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है रूट टू और इनटू में एक्स और प्लस में क्या है हमारा यहाँ पर वन बाय थ्री, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वन बाय थ्री। अब इसके फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या है थ्री, तो हम थ्री से क्या कर देंगे इसकी पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा थ्री की और एक्स की करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस इसकी थ्री के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री रूट टू एक्स और इसकी अगर हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस का क्या आएगा वन। तो ये पार्ट सेकंड भी हमारा होगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड में देखो सम ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरो क्या है ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज क्या है हमारा इसमें रूट फाइव। फार्मूला क्या हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। तो एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे सम ऑफ ज़ीरो क्या है ज़ीरो इंटू में क्या है एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो रूट फाइव। अब देखो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी और इसमें क्या ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी ज़ीरो हो सकती है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वेयर और प्लस का रूट फाइव। बी भी जीरो हो सकती है और सी भी जीरो हो सकती है लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। पार्ट फोर्थ में हमारा क्या है सम ऑफ ज़ीरो क्या है फोर्थ में वन और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज ये भी क्या है वन। तो इक्वेशन क्या हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज इंटू एक्स प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। तो एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे माइनस सम ऑफ ज़ीरो कितना है वन इंटू में क्या है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है वन। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस वन। तो पार्ट फोर्थ भी हमारा होगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर फाइव। तो पार्ट फाइव में हमारा क्या है देखो सम ऑफ पार्ट फाइव सम ऑफ ज़ीरोज माइनस वन बाई फोर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है वन बाई फोर। फार्मूला क्या था हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज इंटू एक्स प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। तो एक्स स्क्वेयर ऐसे कि ऐसे माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है माइनस का फोर और इनटू में क्या है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वन बाय फोर। तो ये देखो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस के वन बाय फोर इनटू एक्स प्लस के वन बाय फोर। अब इसके फ्रैक्शन में क्या है फोर,
तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की और एक्स करें तो ये आ जाएगा 4x2। 4 की और इसे करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का एक्स। और यहाँ पे इससे भी कट जाएगा तो 1। तो ये हमारी आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। तो इसमें सम ऑफ 0 क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो क्या दिया होगा इन्होंने, 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है, 1। तो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस क्या है, सम ऑफ जीरो 4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई।